नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। सो हम आज बात करने वाले हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है मेहनत का। आपको किया सोनेट लेनी चाहिए या फिर ह्यूंडई वेन्यू। काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ह्यूंडई और जो किया है दोनों भाई बहन ही हैं और एक ही ओरिजिन से आते हैं बेसिकली। तो एक बार ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको होते हैं ह्यूंडई की वेन्यू लेने में और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं आपको किया की सोनेट लेने में। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं ह्यूंडई की बात करूं, ह्यूंडई काफ़ी टाइम से हमारे भारत में ऑपरेट कर रही है और कंपैरेटिवली किया को आए हुए अभी 5-6 साल हुए होंगे, अराउंड 7 साल मान लेते हैं। तो कंपैरिजन वैसे बनता तो नहीं है, पर किया का जो गेम प्लान है, जिस तरीके से किया इंडिया में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, जैसे काफ़ी अच्छे शोरूम्स हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर देती है, कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ह्यूंडई में भी हैं, बट वैल्यू फॉर मनी कहाँ पर है। सबसे पहले अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ ना, तो वेन्यू आपकी लैटिन एनकैप से 4-स्टार रेटेड कार है, ठीक है। ग्लोबल एनकैप अलग होता है, लैटिन अलग है, तो लैटिन से 4-स्टार रेटेड है। कंपैरेटिवली सोनेट को मैं 3-स्टार मानता हूँ, क्योंकि सेल्टोस और कैरेंस जो है वो 3-स्टार है ग्लोबल एनकैप से, तो ये छोटी बजट की कार है उनसे, तो ये ऑब्वियसली 3 ही होगी, 4 तो नहीं हो सकती ना, 5 हो सकती है। तो सेफ्टी और बिल्ड के मामले में वेन्यू अच्छी है। तो अगर आप इन दोनों ही कार के बारे में कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि देखो सेफ कार तो फिर और भी आ जाती है, पर इन दोनों ही कार में अगर आप कंफ्यूज हो तो वेन्यू ज़्यादा सेफ हो जाती है। दोनों ही कार्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, तो एयरबैग्स में भी कोई इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाता है माइलेज का। तो मैं सही बताऊं तो मुझे दोनों ही कार्स का इंजन सेम ही लगता है और सेम है ही, आई थिंक सेम ही प्लेटफॉर्म पे हैं कार्स, तो माइलेज आपको सेम ही मिलने वाली है, वहाँ पे आपको कोई मेजर फर्क नहीं आता। तो फर्क आता कहाँ है, क्योंकि इनका साइज भी सेम है। फर्क आता है दोनों कार्स के इंटीरियर्स में, है ना, सेफ्टी के अलावा इंटीरियर्स में। थोड़ा सा आपको सोनेट में बैठने के बाद हल्का सा प्रीमियमनेस और लगेगी एज कम्पेयर टू ह्यूंडई। और मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊँ ना, वो प्रीमियमनेस भी नहीं है, वो ना न्यूनेस ज्यादा बोलूंगा मैं, कि नयापन लगता है। ऐसे इंटीरियर अभी किसी भी कार में नहीं आ रहे थे। वेन्यू के भी कोई बुरे इंटीरियर नहीं है, वेन्यू के बहुत प्यारे और क्लासिक इंटीरियर लगते हैं। तो वहां पर किया का डिफरेंट डिजाइन है, वो आपको अलग तरीके से इंप्रेस कर सकता है, पर ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है वो किया सोनेट की ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू ह्यूंडई वेन्यू। तो यहां पर कोई दो राय नहीं है। अगर आपको अच्छी कार चाहिए, सुंदर कार चाहिए, ज्यादा प्रीमियमनेस चाहिए, तो आप किया की तरफ जाइए। पर वेन्यू वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जब आप वेन्यू में पैसा लगाते हो तो सबसे पहला एडवांटेज आपका ये होता है, आपने 10-12 लाख रुपए लगाए, तो आपको थोड़ी माइंड सिक्योरिटी ये रहती है कि वेन्यू की रीसेल वैल्यू हमेशा सोनेट से ज्यादा रहेगी। दूसरा, ह्यूंडई का सर्विस नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा है, ह्यूंडई के मैकेनिक भी आपको वारंटी के बाद काफी इजीली मिल जाएंगे, और किया सोनेट पे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा काम कराने के लिए एज कम्पेयर टू वेन्यू में। तो थोड़ी सी चीजें ऐसी होती हैं माइंड रिलीफ, क्योंकि ह्यूंडई आपको लेगेसी दे रहा है और ब्रांड की पूरी वैल्यू मिल रही है। किया भी लेगेसी बनेगा, पर अभी वो वक्त नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा आप किया मत लो, किया पे भरोसा कर सकते हो तो बिल्कुल करो, आप करना भी चाहिए। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो फन टू ड्राइव वाले पर्सन हो, आपको कोई इतना इशू नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो माइनर बजटिंग एंड ऑल, तो बिल्कुल आप किया की तरफ भी जा सकते हो। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो दोनों ही कार में काफी वैस्ट इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो DCT, IMT ये सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पे। गियर बॉक्स ट्रांसमिशन का कोई इशू नहीं आने वाला है। तो कैसे समझे, कैसे जज करें कि आपके लिए क्या सही है? देखो, अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे, मैं बात करूंगा और ग्राउंड लेवल पे, अगर आप बहुत मेहनत का पैसा लगाकर लेने की सोच रहे हो इन दोनों कार्स में, तो वेन्यू की तरफ जाना, मैं आपको पर्सनल ओपिनियन ये दूंगा। क्योंकि हम जितनी मेहनत का पैसा, अगर फर्स्ट कार ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो काफी पैसा जोड़ वगैरह के हम लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको बाद में रीसेल वैल्यू भी ज्यादा अच्छी मिल जाए। पर अगर आपको ये मैटर नहीं करता रीसेल वैल्यू वाला पॉइंट, तो भी आप सोनेट की तरफ जा सकते हो। पर रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, तो वेन्यू में आपको ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा एज कम्पेयर टू सोनेट। और इसका मतलब ये नहीं है कि सोनेट बेकार कंपनी है, बट प्रैक्टिकलिटी अगर बात करें, तो पुरानी कंपनी ह्यूंडई हो जाती है, पुरानी लेगेसी ह्यूंडई हो जाती है, तो सोनेट में वो चीज आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं रहेगा कि यार मैंने कार ली है, अच्छी चलेगी, क्या फ्यूचर है किया का, 3 ही प्रोडक्ट है उनके यहाँ पे, कंपैरेटिवली ह्यूंडई की कितनी कारें हैं, ह्यूंडई कहीं नहीं जाने वाला अगले 20-30 साल तक मुझे लगता है। तो ये थोड़ा सा आपको पीस ऑफ माइंड यहाँ पर इन चीजों से मिलता है। बाकी देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल बताऊँ ना, आप खाली लेगेसी और पुराने होने के अलावा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों कार्स में। थोड़ी सी मुझे प्लास्टिक की क्वालिटी वेन्यू की ज्यादा अच्छी लगती है, इंटीरियर्स की थोड़े काफी स्ट्रॉन्ग इंटीरियर्स हैं एज कम्पेयर टू सोनेट। अब जो नई सोनेट आ रही है, उन्होंने थोड़ा सा और फिनिश उसमें डाली है, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करा है, बट फिर भी मेरे को लगता है कि वेन्यू की क्वालिटी प्लास्टिक की ज्यादा अच्छी है। तो ये आपके लिए कितना फैक्टर बनता है आप देख लेना। स्पेस वगैरह मुझको सेम ही लगता है दोनों कार्स में, इतना कुछ डिफरेंस नहीं आता है। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हो इन दोनों कार्स के बारे में, हम आपको कमेंट बॉक्स में वेलकम करते हैं। या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ऑलरेडी ये कार ओन करते हैं, तो ज़रूर अपना रिव्यू और फीडबैक देना कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।